बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को जिस बीमारी के और जिस बीमारी कहें इसको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताया था और आज मैं आपको मेल इनफर्टिलिटी के बारे में और वो लोग जो बहुत ज़्यादा ताकत के लिए और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जेंट्स, उनके लिए बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी ताकत के लिए और कमी के लिए वो मैं मेडिसिन बताऊंगी आप लोगों को। आज मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहती हूं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जिस दवाई के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बहुत ही अच्छी होम्योपैथी इनफर्टिलिटी के बारे में और उन जेंट्स इफ़रात के बारे में है जो कंसीव करना चाहते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो, और वो बूढ़े जेंट्स। ये जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं है। लेडीज़ के लिए मैं बना चुकी हूँ वीडियो पहले, पिछली वीडियो मेरी आप देख लीजिएगा। जिन ख्वातीन को ज़रूरत है, ये मैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बता रही हूँ और उन जेंट्स के लिए बता रही हूँ जिनको ज़रूरत है वो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करें और उनको इन दवाइयों का बहुत ही फ़ायदा होगा। ये मैं आप लोगों को दवाइयाँ जो बताती हूँ ये बहुत ही, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और इसके एनर्जी पावर के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। इसके यूज़ करेंगे आप लोगों को तो जब मालूम होगा इसका, कि मैं आपको बहुत ही पावरफुल दवाइयाँ बताती हूँ जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे जब ही मालूम होगा आपको। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप लोग मेरी आगे शेयर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम देखते हैं वो रेड बटन को ज़रूर दबाया करें सब्सक्राइब के। ये मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों का जो लोग मेरे पसंद करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब नहीं करते फर्स्ट टाइम तो वो सब्सक्राइब कर लिया करें। अब मैं आप लोगों को इस दवाई के बारे में बताती हूँ। ये सबसे पहले तो है ये दवाई अश्वगंधा क्यू में है। ये देखिए ये क्यू में है, ये बहुत ही होम्यो की बेस्ट दवाई है अश्वगंधा क्यू में। इसको आप क्यू में 10-10 ड्रॉप सुबह, 10 दोपहर, 10 रात में। ये जेंट्स के लिए, हर उस जेंट्स के लिए जो अपने कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो पावरफुल दवाइयां हैं जो अपने एनर्जी पावर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी है। और सेकंड दवाई है डैमियाना क्यू में, ये भी क्यू में, ये भी 10 ड्रॉप्स आपको, ये सिर्फ 10 ड्रॉप्स आपको रात में लेने, नीम गर्म पानी में थोड़े से में ये दोनों दवाइयां इस्तेमाल कीजिएगा। और एक दवाई है जिनसिंग दवाई, वो भी क्यू में, वो भी 10 ड्रॉप्स। वो या तो आप ये तीनों दवाइयां मिलाकर भी ले सकते हैं और या आप ये अलग अलग भी ले सकते हैं। ये तीनों दवाइयां बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेटिव दवाइयां हैं जो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपनी तवानाई और ताकत बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को पावरफुल करना चाहते हैं। आप लोग ये दवाइयां इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई भी, आप ऐसा नहीं है कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका किसी भी तरह नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ आप लोग ग़िज़ा का भी ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, दूध लें, अंडा लें, और जो लोग दूध और अंडा नहीं खाते वो इस वक्त ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, काजू अखरोट अगर वो अफोर्डेबल हैं उन लोगों के लिए तो वो इस्तेमाल करें, वरना इस वक्त बहुत ही अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं, वो इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों का आप लोग इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।